हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून में श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा को और जो है ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के ऑलराउंडर एशले गार्डनर को उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, एशले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्हें महिला एसेज श्रृंखला के दौरान उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना गया। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, ग्रेग बर्कले उनका नाम है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए प्रमुख पुरस्कार 2023 के हम लोग रिवीजन करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया राज सुब्रमण्यम को। मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदनी गुप्ता को दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को दिया गया। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जनवरी से जून तक पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स उदित सर ने काफ़ी मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए तैयार किया है। चाहे आप गणित का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो या फिर सामान्य विज्ञान का या फिर सामान्य ज्ञान का, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। किसी भी PDF को आप सभी लोग लेना चाहते हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और उससे PDF से रिलेटेड कोई भी आप सभी को जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप सभी लोग संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है, SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती को फ्रेंड्स SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह है फ्रेंड्स अभिजीत चक्रवर्ती। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना गया है। वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे, जो 11 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। फ्रेंड्स, चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। फ्रेंड्स, SBI कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और GI कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और SBI के चेयरमैन अगर आपसे पूछे तो दिनेश कुमार खारा हो जाएगा। फ्रेंड्स, CFO अगर आपसे पूछे SBI के तो कमलेश्वर राव कोडावंती हो जाएगा। कामेश्वर राव कोडावंती SBI के CFO हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए प्रमुख नियुक्ति 2023 के रिवीजन करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अनिल लाहोटी बन गए हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजय मोहंती बने हैं। फ्रेंड्स, भारत के नए लेखा महानियंत्रक का नाम SS दुबे हैं और यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम आयुष्मान खुराना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ITC बोर्ड ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, संजीव पुरी को आईटीसी बोर्ड ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आईटीसी लिमिटेड के निदेशक जो मंडल ने संजीव पुरी को 5 साल के लिए कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। समिति की सिफारिश पर लिया गया यह निर्णय फ्रेंड्स 22 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और आईटीसी लिमिटेड एक प्रतिष्ठित भारतीय समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, एक प्रमुख स्थान रखता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईटीसी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे इंडियन जो है टेबोको कंपनी है। और देखिए आईटीसी की स्थापना 24 अगस्त 1910 को हुआ था, तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस अगर आपसे पूछे तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए लड़कियों की शिक्षा के लिए पाकिस्तानी वकील और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफ जई को सम्मानित करने के लिए यह हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 2023 का थीम क्या है? आई एम मलाला पुस्तक से प्रेरित है, जो फ्रेंड्स जो सामाजिक प्रगति के लिए नायकों और रोल मॉडल के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रभाव पर केंद्रित है। फ्रेंड्स आप सभी ने इसे ध्यान दीजिएगा। जुलाई माह के प्रमुख दिवस आइए रिवीजन करते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 1 जुलाई को मनाया गया चार्ट्स अकाउंटेंट डे। देखिए 2 जुलाई को मनाया गया विश्व UFO दिवस, बल्कि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो सेल्वा प्रभु तिरुमरन को जो है सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। फ्रेंड्स भारतीय जो ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशियाई एथलीट्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की जो 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए खेल पुरस्कार 2023 की हम लोग रिवीजन करते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है जर्मनी ने। और अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड FC। अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया विंटन गेम्स पदक जो तालिका में शीर्ष स्थान रहा जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देवेश उत्तम हो जाएगा। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स भारतीय राजनयिक देवेश जो उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यह फ्रेंड्स 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मनीष गुप्ता को घाना में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। फ्रेंड्स लिथुआनिया के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लिथुआनिया की राजधानी जो है विनियस है। राष्ट्रपति का नाम है गीतानास नौसेदा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है फ्रेंड्स, इग्रिडा जो है सिमोनिटे और यहाँ की मुद्रा यूरो है। फ्रेंड्स आइए प्रमुख देशों के राजदूत हम लोग जान लेते हैं। कुवैत के जो राजदूत हैं भारत के डॉक्टर आदर्श स्क्वा और माल्टा के ग्लोरिया ज्ञानते और नीदरलैंड के जो है रीनत संधू, पोलैंड के नगमा मोहम्मद मलिक। फ्रेंड्स याद रखिएगा।
अगले जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत ने राजनीतिक जो है राजनीति से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा फ्रेंड्स। जो थाई प्रधानमंत्री प्रयुत चान वो चान ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रयुत को 2019 में सीनेट के समर्थन से नेता चुना गया था, जब उनकी पार्टी के गठबंधन ने विधायिका में सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। नई सरकार बनने तक प्रयुत प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फ्रेंड्स 2020 में प्रयुत को हटाने की मांग को लेकर युवाओं द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा गया। फ्रेंड्स आइए थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ के सम्राट का नाम क्या है? वजीरा लॉन्ग कॉर्न। प्रधानमंत्री का नाम है प्रयुत चान वो च और मुद्रा यहाँ की बात है। फ्रेंड्स अगले जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिमेक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच जिमेक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत जापान मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023 का जो 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली जो है कोमोटो और विश और शक्ति ने भाग लिया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, और जापान की ओर से समीदारे नाम से जहाज जो है भाग लिया इसमें। जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिदा है और मुद्रा जैपनीज एन है, याद रखिएगा। अगले जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, तमिलनाडु के जो DGCA ने जो है पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है, जो तमिलनाडु के हैं दोस्तों। विमानन नियामक DGCA ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन जो है महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल का नाम है RN रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन। लोकसभा सीट है तमिलनाडु की 39, राज्यसभा सीट है 18। फ्रेंड्स अगले जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा फ्रेंड्स। 4th जो है भारत की रैंकिंग है जो है सबसे शक्तिशाली सेना में, और सबसे शक्तिशाली जो शीर्ष स्थान पर रहा वो अमेरिका रहा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। दुनिया के जो देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाले जो डेटा, उसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो 2023 की लिस्टेड रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 4th सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में जो है USA टॉप पर है, और ये जो रैंकिंग में है फ्रेंड्स, USA के बाद रसिया का नंबर है, उसके बाद चाइना, और जो 4th स्थान पर भारत रहा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। आइए 12 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किसको OCA का अध्यक्ष चुना गया? शेख तलाल फहद को। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे जो है अमीर महिलाओं में जो है शीर्ष स्थान पर रही डायने हेंड्रिक्स। हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर सोर्ड चलाया? भारत अमेरिका ने। हाल ही में कौन IFSCA अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? K. राजारमन को। फ्रेंड्स अगले जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से लेकर 1977 नामक पुस्तक लिखी है? अभिषेक चौधरी के द्वारा।
इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइज कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आज का जो टेस्ट का सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जो है जारी अमेरिका की 100 अमीर महिलाओं में जो है शीर्ष स्थान पे कौन रही है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।